हाई गाई इज़ अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं एक्ट uh, फोर के सीन थ्रू सीन थ्री के जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है पुराने वीडियोस देखिए क्योंकि ये सब एक चीज़ है कंटिन्यूशन में चलिए लेट्स बिगिन अब यहाँ पर क्या है कि पोइट uh, की एंट्री होती है और पोइट के साथ है लूसीलियस uh, स्टेटनस और लूसियस तो अब ये जो पोइट है ये आके मैटर सॉल्व कराने की कोशिश करेगा जबकि मैटर बहुत हद तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था हमने पीछे वाले उसमें वीडियो में देखा लेकिन फिर भी पोइट आ रहा है और पोइट कहता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है तो बेटर ये है कि आप दोनों लड़ाई ना करें तो मैंने अच्छा ही लगता कि आप दोनों से लड़ाई कर रहे हैं तो मैटर सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर तो ये हम देखते हैं तो कैसेस कहता है हाउ नाउ व्हाट्स द मैटर अब जो पोइट की एंट्री हो रही है यहाँ पे तो कैसे कह रहा है कि अब कौन है अब क्या मैटर है क्या मसला है तो पोइट आ गया है अब तो पोइट कह रहा है कि भैया आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ठीक है आप लोग जर्नल्स हैं और इस तरह से आप लोग दोस्त रहे हैं और अब अब इस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं तो कहता है कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है तो ये चीज़ें आपके ऊपर अच्छी लगती है ये चीज़ आप पे शोभा नहीं देती हैं कि आप, उस, आप और आप ब्रूटस और कैसियस आप भी जनरल हो आप पे ही पूरी आ, हमारी पूरी सेना टिकी और आप लड़ाइयाँ कर रहे हो आपस में तो आप ऑब्वियसली कैसियस तो जो लीडर है उसका पूरा है, उसका सेना का तो उसको ख़राब लगता है कि ऐसे कोई पोइट आके उस पर कमेंट कर रहा है ब्रूटस को भी ख़राब लगता है तो सरकार बोलते हैं कैसे बोलता है हाँ, हा हा हाउ वेली डॉट दिस सैनिक रैम की मतलब ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये मतलब बड़ी हमें सिखा रहा है ठीक है तो ब्रूटस कहता है हाँ देखो ये आया है ये हम एक तरीके से अब ये दोनों वही है कि एक तरह से सरक सरकाजम कर रहे हैं उसका मजाक सा उड़ा रहे हैं कि ये हमें सिखाने आया है अब ये हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए ठीक है तो कैसे कह रहा बियर विद हम ब्रूटस डिस इज फैशन तो ब्रूटस कह रहा आई नो हिज ह्यूमर वैन ही नोज हिस टाइम वट शुड द दर्ट डू विद दिस गे फूल्स कंपनी है सो तो कहता है कि कह रहा है ठीक है वो क्या कैसेस कह रहा है ठीक है यार थोड़ा सा उसके वो बियर कर लेते हैं ठीक है तो ब्रूटस कह रहा है कि जब ये जैसा जो मजाक कर रहा है और ये ह्यूमर कर रहा है ये जो आया है बंदा जो पोइट है जब इसका टाइम आए तब ये काम करे ठीक है अभी टाइम हमारा वॉर का है तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी तो ये कह गया फिर कैसेस कहता है कि ठीक है उसको ले जाओ अवे अवे बी गॉन इसको यहाँ से लेके कर जाओ अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है तो उसके बाद फिर यहाँ से पोइट चला जाता है तो अब ब्रूटस है ब्रूटस कह रहा है लूसी और टेटेनियस की बिट द कमांडर्स प्रिपेयर टू लॉन्च दर कम्युनिस्ट टू नाइट वो कह तैयारी कर लो लड़ाई होने वाली है अब जो अब फाइनल इसके बाद आप देखेंगे एक्ट फाइव में फिर लड़ाई हो ही जाएगी उधर से वो ऑक्टेवियस और एंटनी आ जाएगा अपनी सेना लेके यहाँ से ये यह पहुँच जाएंगे तो कैसेस कहता है अब एंड कम योर सेल्स एंड ब्रिंग मेसला विद यू इमीजिएटली टू अस तो कैसेस कहता है ठीक है जल्दी आओ और अपने साथ एक एक इनका एक और सिपाही है मैसला उसको भी लेके आ जाना ठीक है फिर ये इस ये, ये सुन के बातें और लूसीलियस और टिटनस ये जो सिपाही थे ये चले जाते हैं अब ब्रूटस कहता है लूसियस अ बाउल ऑफ वाइन ठीक है तो एक तरीके से बाउल ऑफ़ वाइन की बात हो रही है अब ठीक है तो फिर यहाँ पर क्या क्या यहाँ से लूसियस भी चला जाता है अब कैसेस कहता है आई डिड नॉट थिंक यू शुड हैव बीन सो एंग्री अब अब्रूटस ओ कैसी ऑफ माई अग्रीज कैशियस ऑफ योर फिलोसफी यू मेक नो यूज़ इफ़ यू गिव टू प्लेस टू एक्सीडेंटल इवल्स तो कैसेस कहता है इससे ब्रूटस से कि तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था तो so, ब्रूटस कहता है कि मैं अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ तो कैसेस कहता है कि कि तुम अपनी फिलोसफी भूल गए क्योंकि एक्चुअल मैं एक फिलासफी फिलासफी में, में बिलीव करता था जिसको बोलते हैं स्ट्रॉक फिलासफी ठीक है तो एक फ़िलासफी है स्ट्रॉक फिलासफी तो एक स्ट्रॉक फिलासफी में बिलीव करता था ब्रूटस तो कैसेस कहता है क्या तुम अपनी स्ट्रॉक फिलासफी को भूल गए अब तुम इस तरह से ठीक है तुम परेशानियाँ आती हैं लाइफ में अगर तुम इतनी जल्दी हार मानने लगे तो कैसे काम चलेगा तो कैसे इस ब्रूटस को कह रहा है अब ब्रूटस कह रहा है कि नो मैन बियर्स और बेटर पोर्शियस डेड वो कहता है मैं अपने दुखों को सहना जानता हूँ लेकिन तुम्हें रियलिटी पता नहीं है रियलिटी ये है कि पोर्शिया की डेथ हो गई है तो पोर्शिया कौन थी ब्रूटस की वाइफ थी तो ब्रूटस बता रहा है कि मेरे दुखों की असली वजह यह है कि मेरी वाइफ की पोर्शिया की डेथ हो गई है तो अब कैसे उसको पता नहीं थी ये बात तो कैसे जैसी ये बात सुनता हो कहता है ओ पोर्शिया पोर्शिया की डेथ हो तो गई ब्रूटस कहता है हाँ उसकी डेथ हो चुकी है तो कैसे इस कह रहा है हाउस हाउ स्केबड आई किलिंग वैन आई क्रॉस यू सो ओ सनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस अप ऑन वर्ड तो अब जब जैसी कोई बात मालूम पड़ती है तो उसको लगता है कैसे उसको कि सच में तो बहुत ख़राब हुआ तो कहता है ओह ठीक है कितना बड़ा लॉस है कितना बड़ा लॉस है बहुत बड़ा लॉस हुआ ये ये सुन के उसको काफ़ी दुख लगा कैसे इसको तो ब्रूटस बताता है में जाता है एंड ग्रीव दैट

ठीक है उसको एक गम महसूस हुआ कि मैं उसके साथ नहीं हूँ और उसको ऐसा भी लगा कि ये जो ऑक्टेवियस हैं और ये जो मार्क एंटनी है पीछे बहुत स्ट्रॉग हो गए हैं और कहीं ना कहीं हमें हरा ना दें ठीक है तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती रही कहीं ना कहीं वो उस मतलब एक उसको स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो गया ठीक है तो फिर वो बताता है कि और जब कोई था नहीं जो उसके अटेंडेंस होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली अटेंडेंस थे पोर्शिया के साथ तो ये कहता है जब उसके अटेंडेंस नहीं थे तब फिर पीछे से उसकी डेथ हो जाती है ठीक है तो ये बताता है तो फिर कैशस बोलता है कि एंड शी डाइड हो क्या हाँ हाँ उसकी डेथ हो गई तो फिर वह कैशस करा कैशस कहता है रे तो बहुत खराब हुआ ठीक है तो अब यहाँ पे फिर दोबारा लूशियस की एंट्री हो जाती है जब आ, ये बातचीत चल रही है ब्रूटस और कैशियस की तो फिर यहाँ एक लूशियस की एंट्री हो रही है वो अब वो अपना वाइन वाइन वगैरह लेके आया क्योंकि कैशियस ने बोला था तुम ये सब चीज़ें लेके आओ ब्रूटस कह रहा है स्पीक नो मोर ऑफर गिव मी अ बाउल ऑफ वाइन इन दिस बरी ऑल एंड काइंडनेस वो कहता है कि अब हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि अगर हम बात करेंगे पुरुषे कि मुझे दुख होता है तो उससे बेटर वो कहता है कि आप मुझे वाइन दो ताकि मैं वाइन को पी के भूल जाऊँ सारे अपने जो दुख है दर्द है सब भूल जाऊँ कैसेस कहता है माई हार्ट इज थर्स्टी फॉर दैट नोबल प्लेज फिल लूशी स्टिल द वाइन ऑस्ट्रेल द कप आई कैन नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ ब्रूटस लव वो कहता है कि तुम पियो आज ठीक है उससे कहता है कि हाँ इसका वो को कहता है कि इसका जो वाइन का गिलास है भर दो ऊपर तक क्योंकि सब गम इतना ज़्यादा है कि ये अदरवाइज परेशान रहेगा बहुत ज़्यादा ठीक है तो कहता है कि सच में मैं उसको भी खराब लगता है कैसे उसको जब ये बात सुनता है कि जो ब्रूटस की वाइफ है उसकी डेथ हो गई तो ये, मतलब ही इज़ वेरी ही इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी सीरियसली इन पेन उसको भी सच में पेन हो रहा है उसको तो गम महसूस हो रहा है कैसे उसको जब वो ब्रूटस की बात सुन रहा है तो ब्रूटस कहता है अब यहाँ पे कम टेटिनियस एग्जेट लूसियस सिली लूसियसली टेटिनियस विद मेसला अब ये फिर अंदर बाहर ये सब सिपाही आ जा रहे हैं फिर बाद में बात हो रही है वो कह रहा है वेलकम गुड मैसला एक सिपाही है ये भी नाउ सिट वी क्लोज अबाउट दिस टेपर हेयर एंड कॉल इन क्वेश्चन अवर नेसेसिटीज वो कहता है कि बैठो यहाँ पे अब हम बात करेंगे अब फिर कैसे कहता है पोशिया आर दो गाउन नो मोर आई प्रे यू मैसला आई हैव रिसीव लेटर्स दैट यंग ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटनी कम डाउन अपॉन अस विद अ माइटी पावर बेंडिंग देयर एक्सपेंडिशन टू फिलिपी अब फिर दोबारा वो बात कर रहा है पोर्शिया की तो कैसियस ब्रूटस कहता है प्लीज़ आप उसकी बात मत करोगी अगर मैं उसकी बात करूँगा तो फिर मैं वापस दुखी होता रहूँगा तो मैं अभी जो मेन अभी प्रेजेंट में मैटर है तो उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा अब तो फिर वो मैसला से बात करता है ब्रूटस कहता है कि ऑक्टेवियस और मैरक एंटनी आ रहे हैं वो अपने पूरी सेना इकट्ठी करके आ रहे हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं हमारी तरफ कहाँ आ रहे हैं ये एक जगह पे हैं ये एक फिलिपी एक जगह है यहाँ पर ये लोग हैं ठीक है थीके? अब मैसला कहता है माई सेल्फ हैव लेटर्स ऑफ द सेल्फ सिम टेनर तो कहता है हाँ मेरे पास भी ऐसे लेटर्स रिसीव हुए हैं ऐसी खबर मेरे पास भी है कि वो आ रहे हैं तो कहता है अच्छा और क्या क्या है उसमें तो बताता है मसला दैट विद प्रोस्क्रिप्शन एंड बिल्स ऑफ आउट लॉरी ऑक्टेवियस एंटनी एंड लेपीडियस हैव पुट टू दैट एंड हंड्रेड सेनेटर्स वो तो कह रहा है कि एक खबर और ये है कि इन्होंने जैसे कि लिस्ट तैयार की थी ऐसे वो बताता है कि इन्होंने सौ से ज़्यादा जो सैनिटर्स हैं उनको आ, उनको डेथ की सज़ा दे दी है तो ब्रूटस कहता है आ, मैं तुम्हारे लेटस्ट एग्री नहीं करता सौ की नहीं है अराउंड सेवेंटी लोगों को उन्होंने ऐसे डेथ दिया है ठीक है तो बता रहा है फिर कैसेस कहता है सीज, सीजरोन इसकी भी डेथ हो चुकी है इसको भी इन इन्हीं का साथी था कॉन्सप्रेटर था इसको भी वो डेथ की सज़ा दे चुके हैं तो मैसला कहता है हाँ सी एर ओ डेथ सी आर ओ की डेथ हो चुकी है एंड बाय दैट ऑर्डर हैड योर लेटर्स फ्रॉम योर लाइफ फ्रॉम योर वाइफ माय लॉर्ड तो कहता है हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें लेटर मिल गया वाइफ से अपनी तो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं मिला कहता नोट नथिंग इन योर लेटस्ट ऑफर तो कह रहा है और कुछ तुम्हें तो लेटर मिला ही नहीं वो फैसला बूटस से कहता कि तुम्हें वाइफ का लेटर नहीं मिला वो कहता नहीं नहीं वो कहता बड़ी स्ट्रेंज बात है फैसला कह रहा है वो तो कहता तुम क्योंकि क्यों पूछ क्यों रहे हो यू हियर ऑफ हर्स एंड योर्स तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो तो कहता नो माई लॉर्ड ठीक है तुमने क्या सुना है मतलब उसके बारे में कुछ तो कहता नहीं नहीं तो नहीं, नहीं, कहता है नहीं नहीं अब तुम्हें सच बताओ ब्रूटस कहता है क्योंकि तुम रोमन हो और रोमन एज अ रोमन तुम मुझे सच बताओ क्या सच है तो कहता है ठीक है नैसला कहता है मैं एज अ रोमन तुम्हें सच बताता हूँ ठीक है लेकिन आपको भी सच सुनना पड़ेगा उसकी वो कहता है डेथ हो गई है बड़ी स्ट्रेंज तरीके से उसकी बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से डेथ हुई है तो कहता है ब्रूटस कैसे मतलब क्या तो कैसे तुम क्या मतलब ऐसी खबर मालूम है मैसला विद मेडिटेटिंग दैट शी मस्ट डाईवर्स आई हैव देश एंड एट ना वो कहता है ठीक है कि ऑब्वियसली नाव शी इज़ नो मोर लेकिन मेरे अंदर पेशेंस है मैं सुन पाऊँगा तुम जो कहना चाहते हो बोलो तो मैं इसलिए कहता है हाँ ग्रेट मैन जो होते हैं वो जो लॉस है उसको भी बियर करते हैं ठीक है इवन सो ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेज शुड एंड ड्योर ये मसला बोलता है अब कैसेस कह रहा है आई हैव एज मच ऑफ दिस इन आर्ट एज यू बट येट माई नेचर कुड नॉट बियर इट सो वो कहता है हाँ ठीक है uh, मेरे अंदर भी वो चीज़ है जो जैसे एक आ, मैं इंड्योर कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी जितनी नहीं है ठीक है तो ब्रूटस कहता है कि वेल टू आवर वर्क ए लाइव वॉट डू यू थिंक ऑफ मार्चिंग टू फिलोस फिलिपी प्रेजेंट वो कहता है अब वो ब्रूटस बार बार उससे जो मैटर है उस पुरानी बात को ना सोच के अभी प्रेजेंट में बात कर रहा है वो कहता है अच्छा ये बताओ कि जो फ़िलिपी पे वो लोग आ रहे हैं आ, मार्क एंटनी और ऑक्टिवियस वो कैसे आ रहे हैं क्या मैटर चल रहा है कैसे आई डो नॉट थिंक इट गुड तो वो कहता है यू रीज़न वो कहता है मुझे सही लग रहा कैसे okay, इस yes, कहता है कि ब्रूटस कहता है क्यों नहीं सही लग रहा वो कहता है कैसेज दिस इट इज दिस बेटर दैट द एन वी सी कस सोशल ही वेस्ट हिज मीन्स वेरी हिज शोल्डर्स डूइंग हिम सेल्फ ऑफेंस वाइल्स वी मस्ट लेंग स्टिल अ फोल फ्लैस्ट एंड डिफेंस एक्चुअल में क्या है यहाँ पे ब्रूटस <laughs> कहता है कि वो हम पे अटैक करें इससे पहले हम ही उनके पास जाके वहाँ पर जाके अटैक कर दें तो कैसे कहता है ये ठीक नहीं है क्योंकि हम वहाँ पर तक जाएंगे तो हमारे जो सैनिक हैं उनको पूरा सफ़र सफ भाई आपको सफ़र तो तय करना पड़ेगा ना अगर किसी लड़ने जा रहे हैं तो कहता है हमारे सोल्जर्स वहाँ तक जाएंगे तो फालतू में हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं अब कोई जो सैनिक ऐसे तो चले नहीं जाएंगे ऑब्वियसली रिसोसेज लगते हैं काफ़ी एनर्जी लगती है मैन पावर लगती है तो कहता है उससे बेटर है हम वेट करें उनको आने दो ताकि हमारे जो सैनिक हैं वो आराम से रेस्ट कर लें अपना ठीक है और डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए अब लेकिन ब्रूटस इस बात से अगली नहीं कर रहा ब्रूटस कह रहा है गुड रीजन्स मस्ट ऑफ फोर्स गिव प्लेस टू बेटर The people to Philipi and this ground do stand, but in a force at affection, for they have grudged us contribution. the enemy marching along by them, by them shall make a fuller number up. Come on, refresh, new added and encouraged. From which advantage shall we cut him off? If at Philipi we do face him there, these people at our back. अब वो क्या रहा है? Brutus की यहाँ जितने भी लोग हैं ना Philipi में, इनको हमने by force अपने under में कर रखा है, अपना subordinate बना रखा है. तो ये by force हमारी सेना में शामिल है. ठीक है तो अगर हम यहाँ बैठे रहें और हम वेट करें कि वो लोग यहाँ पर आ जाएँ तो उतने में जित रास्ते में जो हमारी सेना में है उनको तो, जो वहाँ पर अपोजिशन मिलेगा ठीक है तो उनको तो हराते जाएंगे और जो हमारी साइड से यहाँ के लोग फोर्सिबली हमारी सेना में लड़ रहे थे अब वो फिर उनकी सेना में लड़ेंगे ठीक है तो कह रहा है हमारे यहाँ के जो फोर्सिबली हम जो सैनिक सैनिकों से हम युद्ध करवा रहे हैं उनको हरा के वो अपनी सेना में शामिल कर लेंगे तो हमारी मैन पावर कम हो जाएगी हमारी मैन पावर कट हो जाएगी तो हमें दिक्कत होगी ठीक है तो हम मैन पावर लूज़ कर देंगे तो बेटर ये नहीं है कि हम वेट करें ताकि वो यहाँ पे आए और हमारी ही मैन पावर को यूज़ करके हम हे अटैक करें इससे बेटर हम वहाँ चले जाएं तो ब्रूटस इस चीज़ के अगेंस्ट है कि हम वेट करें ब्रूटस कहता है हमें जाके अग्रेसिव होकर पहला अटैक करना चाहिए केसेस कहता है हियर मी गुड कर मेरी बात सुनो तो ब्रूटस कहता है अंडर योर पार्टन यू मस्ट नोट ए साइट

अभी जो लोहा है वो गर्म है ठीक है तो अभी हमें अटैक करना चाहिए अभी जो समुंदर है वो तूफ़ान पे है ठीक है तो अभी हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए ठीक है अगर हम वेट करते रहेंगे कि वो यहाँ पे आ जाए तब तक हम गड्ढे में होंगे तब तक हम मिजरेबल हो जाएंगे हम अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे हम मिजरेबल कंडीशन में हो जाएंगे तो कहता है कि अभी जो तूफ़ान है वो ज़ोरों पर है समुंदर अपना उस पर है फान पर है तो अभी हमें जो टाइट के साथ चलना चाहिए अगर हम वेट करेंगे कि वो यहाँ पे आ जाए तो हम बैक सीट पे आ जाएंगे हम मिजरेबल कंडीशन में होंगे हम हार सकते हैं ठीक है थीके? हम हार जाएंगे फिर ये युद्ध कैसे कह रहा है देन विद योर विल को ऑन वी विल अलॉन्ग अवर सेल्फ एंड मीट द मेट फिलिपी अब वो फिर इस बात को समझता है कैसे इसकी ब्रूटस की बात ठीक है वो कहता है ठीक है फिर एक काम करते हैं फिर हम वेट नहीं करते हम जाते हैं हम जाएंगे उनसे वहाँ पर फिर हम फिलिपी में ही मिलेंगे उस जगह पर जाके अटैक करेंगे ठीक है तो अब ब्रूटस कहता है द डीप ऑफ नाइट इसक्रैप्ट अपॉन अवर टॉक एंड नेचर मस्ट ओबे नेसेसिटी विच वी शेल निगार्ड विद अ लिटिल रेस्ट एंड देर इज नो मोर टू से वो कहता है ठीक है अब हमें अब हम वहाँ पे जाएंगे अटैक करेंगे उन पर लेकिन अभी रात का टाइम है तो हमें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए तो कैसेस कहता है ठीक है अब हम मिलते हैं फिर बाद में गुड नाइट कह के गुड नाइट कहता है वो ठीक है वो कहते हैं हाँ कल मिलेंगे अर्ली टमोरो कल सुबह मिलते हैं ठीक है अब रात का टाइम था ये बात हो रही है जब ब्रूटस कहता है फिर यहाँ पे लूसियस फिर यहाँ पे लूसियस आ रहा है फिर वो कहता है मेरा गाउन दे दो फिर उसको गुड वेल कहता है मिसला को जो सैनिक है गुड नाइट गुड वेल ये सब चलता रहता है फिर यहाँ पे गुड नाइट वगैरह फिर यहाँ बात हो, खत्म होती है फिर कैसेस कहता है ओ माय डियर ब्रदर दिस वाज एन इल बिगनिंग एट द नाइट नेवर कम सच डिवीजन बिटवीन आवर सोल्स लेट इट नॉट बूटस को कहता है कैसेस कहता है आज की रात जो हमारे बीच में ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोबारा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कमी ना हो ठीक है दोबारा नहीं होना चाहिए ब्रूटस ऐसा अच्छा नहीं हुआ हमारे बीच में ये हुआ वो कहता है ब्रूटस कहता है ठीक है अब खत्म हो गया मैटर एवरी इज़ वेल नाउ तो फिर वो गुड बाय गुड नाइट कहता है उसको कैसेज गुड नाइट माई लॉर्ड वो कहता है ब्रूटस हाँ गुड नाइट माई गुड ब्रदर टिटनेस है वो भी गुड नाइट कह रहा है ब्रूटस कहता है फेयरवेल एवरी एन सबको फेयरवेल करता है फिर वो अपना गाउन पहन लेता है जो नाइट गाउन सोने के टाइम पहनते हैं गिव मी द गाउन फिर मेरा वो का इंस्ट्रूमेंट लूसियस कह रहा है ये टेंट ये रहा आपका ठीक है तो ब्रूटस कहता है वॉट दाउ स्पीक्स ड्राउजली पुअर ली पोर ने ब्लेम दॉट दाउट हेयर वॉचेस कॉल क्लाटीज एंड सम अदर मैन ऑफ आई विल हैव स्लीप ऑन क्वेश्चन इन माई टेंट ठीक है दक्षिण तो में वो लूसियस लु, को बोलता है ब्रूटस की लूसियस कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो कहता है ऑब्वियसली ओब्वियसली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करो तो ब्रूटस कहता है लूसियस को तो जब वो प्ले करता है तो ऑब्वियसली तो फिर वो उसको लगता है कि भैया ये तो खुद ही नींद में है सबको नींद आ रही है तो अब कोई फ़ायदा नहीं है तो सबको बोलता है ठीक है क्लोडियस को बुला लो और लोगों को बुला लो और सब सो जाओ ठीक है वो कहता है उनको भी मेरे ही टेंट में बुला लो सबको सोना चाहिए सबको नींद ही आ रही है तो लूशियस फिर आवाज़ देता है वह और क्लोडियस को तुम आ जाओ इस टेंट के अंदर सब सो जाते हैं तो वहाँ पर फिर वैरो और क्लोडियस आ रहे हैं वैरो कहता है अच्छा आपने बुलाया लॉर्ड ब्रूटस को कहता है ब्रूटस आई पे यू सर्स लाइन माई टेंट एंड स्लीप इट मे बी आई शेल रेज यू बाय एंड बाय ऑन बिजनेस टू माई ब्रदर कैसी वो कहता है ठीक है अभी आप सो जाओ ठीक है जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगा ठीक है जब मेरा ब्रदर कैसियस बुलाएगा जब सुबह लड़ने के लिए जाना होगा तब मैं आपको उठा दूंगा या जब भी जरूरत पड़ेगी बीच में तो मैं आपको बुला लूँगा वैलो कहता है ठीक है बिल्कुल कोई बात नहीं ठीक है हम यहाँ पे हैं और हम आपका ध्यान रखेंगे तो ब्रूटस कहता है आई विल नॉट हैव इट सो लाई डाउन गुड सर्स इट मे बी आई शेड अदरवाइज बी थिंक वी गुड लुक लूशियस हेयर द बुक आई सॉट फॉर इट पुट इन आई पुट इट इन पॉकेट ऑफ माई गाउन तो कहता है नहीं नहीं आप लोग यहाँ पर आराम से बैठ के सोइए ठीक है ब्रूटस कहता है मेरे ही टेंट में सो जाइए और वो लूशियस को बोलता है कि मैं जो बुक ढूंढ रहा था ये देखो मेरे गाउन के पॉकेट में थी तो कोई बुक ढूंढ रहा होगा ब्रूटस तो फिर वेरो और क्लेडियस वहाँ पे फिर उसके ही टेंट में लेट जाते हैं तो लूशियस कहता है आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट मी तो लूशियस कहता है कि आ, मैंने नहीं दी मुझे लगता है ये बुक जो है ये बुक मैंने नहीं दी आपको तो ब्रूटस कहता है बियर विद मी गुड बॉय I am much forgetful. Uh, canst uh, thou hold up uh, thy heavy eyes a while and touch thy instrument uh, a strain or two? कहता ठीक है मुझे थोड़ा सा नींद सी भी आ रही है ठीक है अब मैं ज़्यादा जाग नहीं पाऊँगा मुझे सोना है ठीक है तो I my Lord I did please you. लूशियस कह रहा है लूटस इट डज माई बॉ इट ट्रबल दी टू मच बट दाउ आर्ट विलिंग तो कहता है, हाँ मुझे नींद आ रही है अब मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ मुझे सोना है, तो कहता है ठीक है अब मैं भी ध्यान रखूंगा तो लूशियस कहता है इट इज़ माई ड्यूटी सर ठीक है आई शुड नॉट अर्ज दाई ड्यूटी पास डाय माइट आई नो यंग ब्लड्स लुक फॉर आर टाइम ऑफ रेस्ट वो कहता अब टाइम है देखो भैया रात हो चुकी है आधी रात गुजर चुकी है ठीक है तो अब सब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि तुम सब भी यंग लोग हो एंड आई थिंक तुम लोगों को रेस्ट लेने की जरूरत है तो ठीक है दूसरी कहता है मैं तो सो चुका हूँ मुझे तीन दिन नहीं आ रही है तो अच्छा। कहता अच्छा ब्रूटस कहता इट वॉज़ वेल डन एंड दाओ शेल स्लीप अगेन आई विल नॉट दी लॉन्ग इफ आई डू लिव इट विल बी गुड टू दी ठीक है वो कहता है चलो मैं तो सो ही जाता हूँ ठीक है Uh, कोई बात नहीं है मुझे नींद आ रही है तो अब वहाँ पे क्या मैंने बोला लूशियस ना एक थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले करता है तो हल्का सा दोबारा म्यूज़िक प्ले होता है कि लूशियस कहता है वो नींद आ नहीं रही है वो प्ले व म्यूज़िक प्ले करता है तो वो जो वो भी एक नींद वाली ट्यून होती है जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है लूशियस वो नींद वाली स्लीपी ट्यून है तो बोलता है दिस इज़ अ स्लीपी ट्यून और मर्डर स्लम्बर लेट्स द बेस अपॉन माई बॉय दैट प्ले द म्यूजिक जेंटल ए लिव गुड नाइट आई विल नॉट डू सी दो सो मच रॉन्ग टू टेक दी

वो बुक पढ़ने वाला था वो कहता है मैं देखता हूँ थोड़ा बुक पढ़ता हूँ तो मुझे भी एक अच्छी नींद आए तो वो बुक पढ़ना स्टार्ट करता है वो सोई वो सोचता ही है कि वो बुक पढ़ेगा वो बैठता है वो बुक पढ़ने के लिए सबको गुड नाइट क्या के इतने में क्या होता है उसको सीज़र का घोस्त दिखाई देता है जो सीज़र है उसका घोष्ट दिखाई देता है तो इसमें क्या है हाउ विल दिस टेपर बज हा हु कम हेयर आई थिंक इट इज़ द वीकनेस ऑफ माइन आइज वो कहता है ये क्या है वो कहता है ये कोई घोस्ट है क्या चीज़ है उसको विश्वास नहीं होता वो कहता है कि कहीं मेरी आँखें तो नहीं खराब हो गई हैं दैट शेप्स दिस मॉन्स्टर्स ए इट कम्स अपॉन मी आर्ट दो एनी थिंग आर्ट दो सम गॉड सम एंजल सम डेविल दैट मार्क माई ब्लड कोल्ड एंड माई हेयर टू स्टेयर स्पीक टू मी वॉट दॉट अब वो देखता है वो कहता है अरे ये तो कोई मतलब सीजर का घोस्त है तो उसको विश्वास नहीं होता वो कहता है, पता नहीं क्या चीज़ है समझ नहीं आता उसको ठीक है और उसको उसको मतलब एकदम वो मतलब उसको ना एकदम से एक ब्लड uh, कोल्ड हो जाने का मतलब ये है कि डर लगता है एक तरीके से उसको ऑब्वियसली डर भी लगता है उसको ठीक है क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ देखता है आदमी डर जाता है क्योंकि तो सीजर का था वो ठीक है तो फिर वो बोलता है कि क्या मतलब बात करने की कोशिश करता है उससे सीजर कहता है द ईवल स्प्रिट ब्रूटस ब्रूटस वाई कम दाओ सीजर टू टेल दाओ शैल सी मी एट फिलिपी ठीक है तो वो कहता है uh, कहता है ये मैं उसी की जो, जो, जो अब, अब क्या है सीजर का गोस्ट आ गया तो बताता है कि मैं स्पिरिट हूँ ब्रूटस मैं सीजर की स्पिरिट हूँ तो ब्रूटस कह रहा है तुम क्यों आयो यहाँ पर तो सीजर कहता है तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुमसे फ़िलिपी में मिलूँगा ब्रूटस बात कर रहा है सीजर के घोष से वो कहता है तुम क्यों आए हो तो कहता है मैं तुम्हें फिलिपी में मिलूँगा फिलिपी वो जगह थी जहाँ पर बैटल होने वाला था ठीक है और एंटनी और ऑक्टेवियस की आर्मी के साथ ब्रूटस और कैसियस की आर्मी का तो ब्रूटस कहता है ठीक है Uh, मैं वहीं पे फिर ठीक है आई विल सी यू देयर तो कहता ठीक है ठीक है, है तो सीज़र कहता है हाँ हम फिलिपी में मिलेंगे ठीक है तो ये सीज़र का घोस्ट बात कर रहा है ब्रूटस से ब्रूटस कहता है वाई विल आई देन सी सी दी एट फिलिपी देन ठीक है फिर वो सोचता है ही क्या मतलब भी, क्या चीज़ है समझ में नहीं आती फिर जितना सोच ही होता है ब्रूटस तो एकदम से जो घोस्ट है वो चला जाता है नाउ आई हैव टेकन हार्ट एड ना वेरिस्ट एल स्पिरिट आई वुड होल्ड मोर टॉक विद दी बॉय लूशियस वेडो क्लोडियस or अवेक् सॉरवे को तो उसको समझ में नहीं आता हुआ क्या है, ये बूटस को तो, तो जगाने की कोशिश करता है उसके साथ जो और थे उनको जगाने की कोशिश करता है Lucius Claudius आ, उठो, उठो 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 तो Lucius कहता है uh, the strings my lord of false ठीक है वो कहता अरे अरे लूसिस कहता लूसिस को एक्चुअली नींद सी आ रही होती तो और उसके हाथ मैंने बोला ना एक वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा होता है तो वो कहता है कि सर ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके जो स्ट्रिंग्स थे खराब हो गए इसलिए मुझे नींद आ गई मेरी आंख लग गई ठीक है मैं इसको ठीक कर रहा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकिन कुछ स्ट्रिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई अदरवाइज आई वॉज प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट मैं उसको प्ले कर रहा था तो ब्रूटस कहता है कि ही थिंक्स ही स्टिल एट हिज इंस्ट्रूमेंट लूशियस अवेक तो ब्रूटस कहता है कि एक्चुअली मेंू लूसियस सो गया था उसको उसको नींद लग गई थी वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते करते ही सो गया था तो ब्रूटस कहता है कि आ, उसको वो नींद वो सो चुका है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि अभी वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है तो लूसियस को कहता है लूसियस उठो उठो ठीक है लूसियस कहता है लॉर्ड हाँ हाँ क्या हुआ माई लॉर्ड ब्रूटस कहता है क्या डस यू यूर ड्रीम लूसियस दैट यू क्राइड आउट तो कहता है ये अब बच्चे में क्या ब्रूटस को बिलीव नहीं हो रहा है अपने ऊपर कि जो उसने घोष देखा है या किसी और की आवाज़ थी वहाँ पे तो वो पूछता है लूसीस से क्या तुम क्या तुमने आवाज़ दी थी तो लूसियस कहता है माई लॉर्ड नहीं नहीं मैंने नहीं दी ठीक है मुझे नहीं वालू आवाज़ कहाँ से आई तो ब्रूटस कहता है अच्छा तुमने नहीं दी तो तुमने कुछ देखा वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा लूसियस कहता है अच्छा तो ब्रूटस कहता है कोई बात नहीं फिर तुम सो जाओ ठीक है फिर वो उनको आवाज़ देता है क्लाडियस uh, uh, को और वैरो को तुम लोग उठो तो वैरो कहता है क्या हुआ लॉर्ड तो क्लाडियस कहता है बातचीत चलती है तो वैरो कह रहा है क्या हुआ क्लेडियस कह रहा है क्या हुआ ब्रूटस कहता है कि क्या तुमने किसी की आवाज़ सुनी जब तुम नींद में थे तुमने कुछ आवाज़ सुनी किसी की वो वैरोना नहीं 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 हमने ऐसा कुछ नहीं कोई आवाज़ नहीं थी तो बूटस कहना कुछ तुमने देखा वो कहता नहीं नहीं हमने कुछ नहीं देखा तो अब ब्रूटस को फिर थोड़ा हैरानी होती है कि ना तो लूसियस ने कुछ देखा ना सुना ना ब्रूटस और क्लोडिय ना वैरोडियस ने ना कुछ देखा ना सुना तो फिर था क्या वो चीज़ तो ब्रूटस कहता है गो एंड कमेंट मीट माई ब्रदर कैसियस बिड हिम सेट ऑन एस पावर्स बेट बी टाइम्स बिफोर एंड वी विल फॉलो कहता है कि अब जाके जो मेरा जो कैसियस मेरा जो दोस्त है उसको उठाओ ठीक है और टाइम आ चुका है कि हमें अब बैटल में जाना पड़ेगा ठीक है तो बैर वो कहता है ठीक है ठीक है हम आपकी जाते हैं और आपकी जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे तो यहाँ पर कह के आप देखेंगे ये जो आपका एक्ट फोर का जो सीन थ्री है खत्म होता है इसी के साथ आपका जो एक्ट फोर है ये भी खत्म होता है तो अगर मेरा वीडियो ठीक लगता है आपको एक्सप्रेशन ठीक लगता है तो काइंडली सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हेवन एस डे बो बाई टेक केयर